अरे किसी तरफ रहो, मतलब सरकार से मतलब थोड़ी है, तो जाए गरीब आदमी को सुविधा होना चाहिए, जो सुविधा कर रहे हैं उसे कोई सरकार अच्छी लगती है। राशन घर में 10 मेंबर है, मिल रहा है 5-3-2 किलो के हिसाब से, पूरी पड़ती पड़ जाएगी। दुकान लेने की हमारी हैसियत नहीं है, क्या करेंगे? दुकान का किराया 20,000 है, 20,000 किराया देंगे, बीवी बच्चों को पालेंगे। हम जिम्मेदार किसे मानेंगे? जो मौजूदा है उसे जिम्मेदार मानेंगे और किसे मानेंगे यार? हमें सत्ता किसी की हो, हमें तो काम मिले, हमें इससे क्या मतलब है? आप भी तो कह रहे हैं सरकार में काम नहीं मिल रहा है। काम ना मिल रहा है तो सरकार बदली जाएगी? तो सरकार बदलनी है इस बार 2024 में, तो सस्ता चली गई है बात। तो सांसद रहे नहीं, वो तो कौन से, वो थे पहले कौन से थे प्रधानमंत्री थे क्या? जो सवाल विपक्ष पूछ रही प्रधान, उनसे जो प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए वो राहुल गांधी से पूछ रही। हो जाएगा 5 किलो राशन दे दिया तो अपना गुलाम बना लिया, 5 किलो राशन के साथ भी तो कोई गैस सिलेंडर कहाँ जा रहा है? कहाँ 475 था, आज 1190 रुपए का ले रहा, कहाँ से आएगा? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? हमने वोट दिया है, गर्व से कह रहा हूँ, हमारे पास प्रूफ भी है, उनको मैंने वोट दिया, जिताया, ये हमारा सबसे पहला गलती था। सुरेश प्रताप सिंह बैस तो एक टैग लगा रहता है कि मतलब छत्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि छत्री है, मतलब गलत होता रहे छत्री देखता रहे, जो गलत है तो गलत है, बोलना फर्ज है और हर युवाओं का बोलना फर्ज है, जो भी गलत हो रहा बोलना फर्ज है। आप खुद देखिए बेरोजगारी नंबर एक पे, सिर्फ आंकड़े उठा के देख लीजिए सरकार के कहाँ पे कहाँ जा रही। आप अपने क्षेत्र के सांसद के पास नहीं गए कभी? सांसद जी फोन नहीं उठाते, आते ही नहीं है सांसद जी, काम मिलने किससे जाते हैं? जो बड़े लोग होंगे उन्हीं के पास जाते हैं, मध्यम वर्गीय के मिलना ही नहीं है उनको। तो चुना तो आप लोगों नहीं था उनको? क्या इसके पहले आप लोग नहीं जानते थे उनको? उनको जानते थे, हमारे घरेलू संबंध है, फिर भी जानते थे, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो कोई काम के नहीं है, सुनते नहीं है। सिर्फ मोदी युग में जीत गए, लहर में जीत। आपकी क्या होगा उनका इस बार? गए, हार जाएंगे। ढक्कन पुष्पेंद्र सिंह ढक्कन। चाचा 2024 चुनाव पास में है और सरकार लगातार कह रही है कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, रोजगार हम दे रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? महंगाई तो हर चीज़ में खूब हो रही है, हर चीज़ महंगाई है, सस्ती है कब? तो सरकार से कितना खुश हैं आप? सरकार से क्या बोलूं बताओ? सरकार से खुश हैं आप? सरकार से खुश क्या है, गरीब आदमी परेशान नहीं है, सब लंग ठेली फेली लगाना दे रहे हैं, लगाए देने दे। कौन ठेली लगाने दे रहा आपको? कहाँ लगाने दे रहे हैं? कमेटी वाले कौन दे रहे हैं रोड पे? कहीं गरीब आदमी परेशान है, अब रोड पे ठेली ली लगने दें? हाँ तो अच्छा, 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं? योगी जो सरकार चल रही है मोदी की, आप इन्हीं तरफ रहेंगे कि दूसरी तरफ जाएंगे? अरे किसी तरफ रहो, मतलब सरकार से मतलब थोड़ी है, तो जाए गरीब आदमी को सुविधा होना चाहिए, जो सुविधा कर रहे हैं उसे कोई सरकार अच्छी लगती है ना? अच्छा सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे राशन देना, शौचालय बनवाना, घर देना, तो इन योजनाओं का लाभ मिला आपको? अब मेरे को तो भैया ना मिला, जिसे मिला जिसे मिला होगा। राशन नहीं मिला आपको? नहीं, हमारे को नहीं, अभी तक नहीं मिलता ना। कार्ड बना आपका? कार्ड नहीं है। कार्ड बनवा लीजिए तो राशन मिलेगा। कार्ड वार्ड ना बना, राशन फाशन हमें ना मिला। हमारे साथ कुछ और लोग, हम बात करते हैं। भैया 2024 चुनाव पास में है तो क्या चाहते हैं आप, कुछ बदलाव करेंगे कि सरकार यही चलेगी? सरकार किसी की रहे, जो गरीब आदमी चैन से खा सके वो तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? जो जिसके बीवी बच्चे हैं घर में परेशानी है, रोड पर ठेली लगा रहा बंदा, पार रहा है, उसके भविष्य में क्या होगा? आप सरकार तो कह रही है हम सबको फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री शौचालय दे रहे हैं, फ्री घर दे रहे हैं। राशन घर में 10 मेंबर है, मिल रहा है 5-3-2 किलो के हिसाब से, पूरी पड़ती पड़ जाएगी। अच्छा राशन पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कौन किसी को मिल रहा है यहाँ नोएडा में? किसे मिल रहा है? विधायक कौन आप यहाँ का? कौन? अरे होगा तहाँ होगा, यहाँ थोड़ा ही है, यहाँ का यहाँ कर खा रहे हैं, गाँव में जमीन नहीं, कौन से क्या होगा, तब गांव में कौन खिला देगा? राशन से पूरी पड़ेगी? यहाँ 10 मेंबर मेरे साथ हैं, रोड पे ठेली लगा रहा हूँ, ठीक है? अगर ठेली भी उठा के ले गए कठोटी वाले हैं, सारा 21,000 रुपये की रेडी बनवाई थी, पुलिस क्या दिक्कत है इसमें? एक बासन जो आदमी चैनते, आप जो ठेली आप लेके गए, आपने बात की उन लोगों से? हाँ बात करी थी, नहीं मानते किसी की। क्या बोलते हैं वो कहते हैं रोड पर लगाओ ही मत, बताओ रोड पर नहीं लगाएंगे, मकान दुकान लेने की हमारी हैसियत नहीं है, क्या करेंगे? दुकान का किराया 20,000 है, 20,000 किराया देंगे, बीवी बच्चों को पालेंगे? आप जाइए, जवाब दीजिए आप। तो सरकार की तरफ रहेंगे आप? सरकार किसी की होनी चाहिए, सरकार से हमें लेना देना नहीं है, मगर जो है गरीब आदमी चैन से खा सके। गरीब आदमी चैन से खा सके, भैया करें जी। क्या नाम आपका? चंद्र केस। तो किधर जाएंगे 2024 लोकसभा पास में? जहाँ अच्छा चलेगा वहाँ जाएंगे। सरकार से खुश हैं आप? हैं, सरकार तो कुछ लेना देना नहीं है, जहाँ खुश रहेंगे तहाँ।
क्या कहेंगे भैया आप 24 में किसकी तरफ जा रहे हैं? सत्ता चाहते हैं, यही सत्ता रहेगी, बदलना चाहते हैं आप? यही सत्ता रहे। खुश हैं आप? सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? लाभ मिल रहा है, पर ठेली ना लगने देते किधर। तो जो ठेली, जो कमेटी आती, ठेली डालती, आप लोग उनसे बात करते हैं? बात करते हैं, वो सुनते ही नहीं, लाद के ले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने कि उठा के ले जाए, संभाल नीचे फेंक जाए, वो ना मानते। ये लोग भी डर से लगा रहे हैं, इनका कोई पता ना किस टाइम उठा के ले जाए। तो इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम जिम्मेदार किसे मानेंगे, जो मौजूदा है उसे जिम्मेदार मानेंगे और किसे मानेंगे? आप लोग अपनी बातों को लेकर कमेटी वालों के पास या सरकार के पास या किसी और के पास गए? कोई सुनता ही नहीं है, बोलेंगे किन से? कोई सुनेगा उससे तो बोलेंगे, अब कमेटी वाले आएंगे उनसे ही तो बोलेंगे। जब वो सुनते ही ना, उठाई ठेली पलटी और ले गए रख के, वहाँ जाते हैं तो वो कहता है वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, दसियों जगह घुमाते हैं ठेली भी। आपको सरकार से मतलब नहीं है, जो आप लोगों का ठेले ना पलटाए, आप लोगों को रोजगार मिले, आपको मतलब उनसे है? सरकार किसी भी है कि सरकार ही रहे? सरकार किसी की हो, हमें तो मेहनत मिले, पूरी काम मिले, काम धंधा मिले, कंपनी में काम धंधा ना, लोग परेशान घूम रहे। क्या सरकार तो कहती है हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं? कैसे रोजगार दे रहे हैं, किसी को रोजगार ना दे रहे, हमें तो लगता ना किसी को। तो आपको सत्ता परिवर्तन चाहते हैं आप? यार हमें सत्ता किसी की हो, हमें तो काम मिले, हमें इससे क्या मतलब है? आप भी तो कह रहे हैं सरकार में काम नहीं मिल रहा है। काम ना मिल रहा है तो सरकार बदली जाएगी और क्या होगा? किसे वोट करना चाहेंगे आप 24 में? वो तो टाइम बताएगा, जब टाइम बताएगा। सरकार में कोई काम नहीं हो रहा आप लोगों का, कोई सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की, तो क्या चाहते हैं 24 में? पटरी पर ठेली लगाना है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला फरुखाबाद। वहाँ का सांसद कौन है भाई? तो विधायक तो ध्यान ना है। फरुखाबाद में विकास हो रहा है? फरुखाबाद गली गली ठेली लगाओ, रोड पर लगाओ ठेली, कोई नहीं बोलने वालों। वहाँ से, वहाँ की सरकार से, वहाँ के सांसद से, वहाँ के विधायक खुश हैं आप? अच्छा, लाइट मिल रही है आप लोगों को लगातार? लाइट मिल रही, राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता। 2024 चुनाव पास में है जी। अभी देखिए आप लगातार विपक्ष जो है हमले करता शासन पे, अभी कल ही अभी अखिलेश यादव ने कहा था कि ये सरकार युवाओं को मौका नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रहा है, नहीं दे रही। विपक्ष को बिल्कुल बोलना नहीं दिया जा रहा, राहुल गांधी को ही देख लो क्या बोला उसने, अलग कर दिया गया, तो ये क्या है? और सरकार बदलनी है इस बार 2024 में। विपक्ष एकजुटता साथ भी तो नहीं है? नहीं, सब एक साथ आ रहे हैं। अभी ममता बनर्जी ने कहा था कि राहुल गांधी आ रहे हैं, देखते जाइए, नहीं आएगा एक आध दो, नहीं आएंगे, आएंगे जाएंगे। 24 में सत्ता परिवर्तन होगी? बिल्कुल होगी। कितना सीट चाहते हैं आप, कितनी सीट चाहते हैं आपके साथ में? इस बार इनकी जो 304 है, इस बार 150, 200, 250 रहेगी भाजपा की। अच्छा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, वो जाके अलग अलग समुदाय लोगों से मिले, अलग अलग प्रदेश गए, अलग जिलों में गए, तो आपको लगता है इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल पड़ा, पड़ेगा, दिखाई देगा, आएगा तो, और दिखाई दे रहा। तो सदस्यता तो उनकी चली गई ना? तो सदस्यता चली गई है, बाकी तो सांसद रहे नहीं। वो तो कौन से वो थे पहले, कौन से थे प्रधानमंत्री थे क्या, जो सवाल विपक्ष पूछ रही प्रधान उनसे, जो प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए वो राहुल गांधी से पूछ रही, पूरी मीडिया लगी हुई है, जितने राष्ट्रीय चैनल है सब लगे हुए हैं राहुल गांधी के पीछे, उठा के देखिए आप सुबह से शाम तक वही बोल रहे हैं। अच्छा, योगी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था नंबर एक कर दी, सबको लाइट मिल रही है। वो तो दी ही रहा, कानून व्यवस्था कहाँ पे कर दी, हर जगह पे वही धांधली है, कहाँ पे कर दी आप बताओ। अच्छा, आपकी सरकार की योजनाओं का लाभ ले पाते हैं? नहीं, मैंने तो आज तक कोई लाभ नहीं लिया, वो तो उनकी सरकार रही हो, कोई भी रही हो, वो तो कहते हैं। अच्छा, आप राशन नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। आपके घर में सरकारी शौचालय नहीं बना? कोई नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं महोबा का रहने वाला हूँ। महोबा जिले में वहाँ का सांसद कौन है? श्री पुष्पेंद्र सिंह चनेल जी है। किस पार्टी के हैं वो? भाजपा के हैं। तो उनका विकास कार्य आपको दिखता है वहाँ पे? वहाँ पे का विकास कार्य, सांसद में मुद्दा उठाते हैं खाली सिंचाई का, पेयजल का, बस बाकी वहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। जैसे था सड़कों का निर्माण कैसे वहाँ पे? सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय निर्माण जैसे था वैसा अभी भी है, कोई निर्माण नहीं है डिस्ट्रिक्ट बनने। तो मोदी लगातार बोल रहे हैं, योगी लगातार बोल रहे हैं कि हम हर योजना को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, लोगों तक लेके जा रहे हैं। पहुँच रहा, आगे सब खा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहा, कौन सी योजना इनके कागज पे आई? हर चीज कागज पे ही है, हर चीज कागज पे है, कौन सी है भाई। अच्छा, विधायक कौन आप यहाँ का? हमारे राकेश गोस्वामी जी हैं। उनका काम कैसा है? वो तो भांग खा के पड़े रहते हैं, उन्हें कोई भांग खाते हैं वो, भांग का सेवन करते हैं, भांग खा के पड़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं। आप लोगों के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जन सुनवाई करते हैं? जाते हैं, कहीं जाते हो कि बताएं, हर जगह तो घोष चल रहा, जहाँ 2000 लगते थे आज 4000, 10000 लगने लगे। आपके हिसाब से मतलब सत्ता परिवर्तन इस बार निश्चित होगा? निश्चित होगा,
और कुछ बताएंगे आपके यहाँ जो विकास हुआ है जो पहले सरकार में? जैसे था वैसा ही है, जो वालों ने करवाया था वही विकास है। इस सरकार में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप इनके ना मेडिकल कॉलेज के लिए बोले, ना मेडिकल कॉलेज आया, ना पानी व्यवस्था हुई। हाँ, अभी नितिन गडकरी जी जरूर आए थे तो एक बोले रिंग रोड का उद्घाटन करके गए हैं। तो रिंग रोड पे काम चालू होता है कि वो भी ऐसे ही रहे? अभी काम चालू नहीं हुआ, कहीं नहीं है। उम्मीद है चालू हो जाएगा? अब देखो, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि चुनाव तो पास में, अभी चुनाव पास है तो पास ही रहेगा वो। अच्छा, उससे भी उम्मीद नहीं कि सड़क बनेगा, रिंग रोड बनेगी नहीं बनेगी? अभी वो भी उम्मीद नहीं है, सिर्फ नक्शे में पास है। तो जिस तरीके से बता रहे कि इनके यहाँ सांसद विधायक हैं लेकिन वो जनता के बीच में नहीं आते, जन सुनवाई नहीं करते, तो हमारे बीच में और लोग हैं, हम बात करते हैं। चाचा, क्या चाहते हैं आप 24 में, क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ, कुछ दूसरे बुलवा लो, कुछ और बोले नहीं। फिर भी आप तो कुछ चाहते होंगे, आप इस सरकार से खुश हैं? नहीं, कुछ चाहता हूँ, गरीब आदमी सुविधा होना चाहिए। ठेली फेली गरीब आदमी रोड पर लगा लेता है तो उसे भगा देते हैं, तो जब उसे लगाने ना तो कमाए खाएगा कहाँ से, ये है। और क्या बात, तो 24 में आप इसी के साथ सरकार साथ रहेंगे कि चाहते हैं आप भी हैं? कि भैया तो कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था की डग्गा मार एकदम है, कहीं कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ये तो कह रहे हैं हम राशन भी नहीं पाते हैं। हाँ तो सही कहते हैं, राशन पास जब हमारे को भी आदमी ना मिला है तो उनको भी नहीं मिला होगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बदायूं होंगे। बदायूं में आपका सांसद कौन है? महंगाई कहाँ जा रही, राशन घर में हो जाएगा? 5 किलो राशन दे दिया तो अपना गुलाम बना लिया, 5 किलो राशन के साथ भी तो कोई गैस सिलेंडर कहाँ जा रहा है? कहाँ 475 था, आज 1190 रुपए का ले रहा, कहाँ से आएगा? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? ये तो योगी लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में जो है बाहर से कंपनियां आ रही है। है इनका काम है फेंकना, फेंके और जनता लपेटते जा रहे हैं, और जो अंधभक्त है वो इसी में फेंकते जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप इनकी जो है वही है। इनकी कानून व्यवस्था भी सहमत नहीं है? आप कानून व्यवस्था से भी कोई सहमत नहीं है, हर जगह आप देखे होता रहता है कांड। तो 24 में, 24 में परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि विपक्ष में है, अब वो भी समझ गया, बेरोजगारी आप देख लो नंबर एक पे है, हर चीज में महंगाई। योगी कहते हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, कहाँ पे दी, कहाँ पे? सिर्फ कागज पे है, सिर्फ कागज पे है, कहीं नहीं दी। तो लगातार कहते आ रहे हैं, देखिए वो तो कहेंगे ही, उनका कहना है, वो तो सरकार में बैठे, उनका काम ही फेंकना, फेंकते रहो, जनता लपेटती रहे बस। 2024 में किधर जाएंगे आप सरकार? आप यही चाहते हैं कि बदलाव करेंगे? बदलाव क्यों बदलाव करेंगे? क्योंकि मोदी के राज में बेरोजगारी बहुत हो गया है। अब ये किसी भी दुकानदार से पूछ लो, चैन से 2 रुपये कमा पा रहा है? नहीं कमा पा रहा है। बार बार आता है, कमेटी आता है, इन लोगों को भागना पड़ता है। वो क्या किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया। योगी जी के राज में इन लोगों को बार बार भागना पड़ रहा है, कभी कोई इधर जा रहा है, कभी उधर, नोएडा पुलिस परेशान करता है, कभी। अच्छा, इसके पहले जो सरकार थी वो सरकार ठेली लगाने थी सड़कों पे? क्यों लगाता था, सब पैसे कमाता था, आराम से लगाता था, कहीं भी झुग्गी डाल के रहता था। अभी आपको कितना झुग्गी वाले, अभी इंडस्ट्री के एरिया में घूमिए, एक भी झुग्गी वाले आपको मिल जाए? नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको भगा दिया, कहाँ जाए। आप अपनी आवाज़ सरकार के पास ले जाके या जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके पास लेके कभी गए आप लोग? कैसे जाएंगे, हम लोगों को पहुंचने देगा तब? नहीं पहुंचने देता अभी। कौन नहीं पहुंच देता आपको? अधिकारी, अधिकारी जो आपके यहाँ आते हैं, हम जैसे आदमी से बात नहीं करता है, वो पैसे वाले से बात करते हैं, बड़े लोगों की आवाज़ सुनते हैं, हम जैसे गरीबों का आवाज़ नहीं सुनते भैया। वो क्यों सुनेंगे? क्योंकि हम गरीब है, मजदूर हैं, इसलिए नहीं सुनता। सुबह से हम काम के लिए घूम रहे हैं कंपनी एरिया में, अभी तक भूखे प्यासे घूम रहे हैं, कोई काम नहीं मिला, क्योंकि बेरोजगारी इनके राज में। जब किसी और का सरकार था, आम पार्टी का सरकार था यहाँ पे, उस समय हर कंपनी में, छोटी से बड़ी कंपनी में वैकेंसी रहता था, पैसे 2 पैसे कम कमाता था, लेकिन इंसान, मजदूर, लेबर सब चैन से सोता था। लेकिन इनके राज में क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार तो लगातार कहती है कि हम गरीबों का साथ देते हैं, तानाशाही नहीं है मेरे सरकार में। तो अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है इस सरकार में जो यहाँ जो इनके अधिकारी हैं, चाहे DM हो यहाँ के और चाहे कमेटी के जो अध्यक्ष हों, तो तानाशाही कर रहे हैं आप लोगों के साथ ना। अगर यहाँ पे हैं आप लोगों को बताएं तो आप लोग अपना आटा भी लें। अब भैया जैसे चाचा बता रहे थे कि आते हैं सामान पलट देते हैं, ठेली उठा लेके चले जाते हैं, कोई बता रहा था भी कि 1000 हमने ठेली खरीदी, आए ठेली तोड़ दिए, सामान फेंक दिए, लेके चले गए। सही बात। अब सरकार से इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि भले इनका कोई व्यवस्था किया जाए, कहीं पे एक जगह दिया जाए, जो ये लोग मतलब कि आराम से अपने दुकान लगाए। अब इन लोगों को बार बार आता है, अभी इन्होंने 10,000 लगा रखा, इसमें कर्ज लेके लगाया, हमारे तुम्हारे जैसे आदमी से कर्ज लिया, 10,000 ठेली में लगाया, अभी कमेटी आ जाएगा, ये भाग नहीं पाया, इसका पूरा सामान पलट देगा। सामान पूरा पलट देते हैं? पूरा सामान पलट देगा, उठा के ठेली ले जाएगा, सामान ले जाएगा उठा के कमेटी वाले।
तो ये कहाँ से कर्ज लेके ये दुकानदार किया, ये कहाँ से भरेगा अब? आपको इस बात को ले जाके सरकार के पास, जो आपके यहाँ सांसद हैं, जो आपके यहाँ विधायक हैं, जो मौजूदा यहाँ के विधायक कौन बैठे हैं, नोएडा के विधायक कौन यहाँ का? पंकज सिंह। आप लोग पंकज सिंह के पास गए अपनी समस्याओं को लेके? पंकज सिंह हम जैसे आदमी से क्यों मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? आपने उनको जिताया, आपने उनको वोट दिया? हमने वोट दिया है, गर्व से कह रहा हूँ, हमारे पास प्रूफ भी है, उनको मैंने वोट दिया, जिताया। ये हमारा सबसे पहला गलती था कि हमने उनको वोट दिया। अच्छा, कहते हैं कि पंकज सिंह मिलते सबसे हैं, सबकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, तो आप कैसे कहते थे कि पंकज सिंह हमसे मिल ले सकते हैं? पंकज सिंह के राज में रह रहे हैं, उनके राज्य में हमारा गाड़ी चोरी हो गया, FIR लिखवाया लेकिन आज तक कॉपी नहीं मिला, थाने के चक्कर काटते रहा लेकिन कोई नहीं मिला। पंकज सिंह साहब कितने बार मिलने गए? एक बार भी नहीं मिलने गए। तो कैसे आप कह रहे हैं पंकज सिंह मिलेंगे नहीं आपसे? आपको जाना चाहिए, अपनी आवाज बताना चाहिए, लोगों लेके जाना चाहिए, जो गरीब असहाय हैं। हम जाएंगे, हम चलेंगे, बिल्कुल आपके साथ चलेंगे, जब आप जब कहेंगे तब चलेंगे, लेकिन आपको जाना चाहिए अपनी समस्याओं को लेके। 50 आदमी को इकट्ठा करके लेके जाएंगे, जितने भी दुकानदार है हर दुकानदार में से एक एक लेके जाएंगे। आप जाइए, कम से कम जो आपके यहाँ सांसद, जो आपके यहाँ विधायक हैं, आप उनसे जाके मिलिए, जो यहाँ के अधिकारी उनसे जाके मिलिए, अपनी आवाज उठाइए। यहाँ तो कोई बोलने की तैयारी नहीं रहता ना इस मामले में। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, आप लेके पंकज सिंह के पास। इन लोगों की तरफ से हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, अगर विधायक जी अगर इन लोगों को नहीं साथ देंगे तो अगली बार आएंगे, नहीं आएंगे। सीधी बात, अगर आप इनको चुना है तो आप अपनी बात को उनके पास पहुंचाने का आपके पास अधिकार भी है, लेकिन आप जब उनके पास खुद नहीं जाएंगे, अपनी समस्या उनको नहीं बताएंगे, तो उनको कहाँ पता चलेगा आपके साथ अन्याय हो रहा है कि आपके साथ न्याय हो रहा है? क्योंकि लगातार योगी सरकार यही कहती है कि हम गरीबों का साथ दे रहे हैं, गरीबों को जुल्म नहीं हो रहा है। योगी जी साथ दे रहे हैं, बट उनसे नीचे वाले अधिकारी ये चीज़ नहीं देखना चाह रहे हैं, ये चीज़ नहीं देखना चाह रहे, वो सिर्फ रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देखने यहाँ नहीं आ रहे ममोरा के अंदर क्या हो रहा है, सेक्टर 67 के अंदर क्या हो रहा है। ये जो ठेली वाले लगाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात के 10 बजे 11 बजे सोते हैं, 300 रुपये भी कमाते होंगे, मुश्किल होगा। जिस तरह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है कमेटी वाले की तरफ से, तो इन लोगों के लिए तो कुछ तो करना चाहिए व्यवस्था, हमारा यही। बिल्कुल, जिस तरीके से भैया कह रहे हैं कि ठेली वाले आते हैं तो ठेली वाले की ठेली उठा के फेंक देते हैं, सामान का तोड़ देते हैं, काफ़ी परेशान ये लोग इनसे हैं। हमारे साथ चाचा मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप 24 में किसको देखते हैं आप? 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, अब वक्त बताएगा, अभी क्या सोचा जाए, कब क्या होगा कौन जानता है, लेकिन मन में कुछ चल रहा होगा इस सरकार की योजनाओं से, इस सरकार की, सरकार जो लगातार कहती है हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। ठीक है, एक एक ठेली बनाने में 15,000-20,000 लग रहा है, और उसको उठा करके ले करके चले गए, तो कहीं ना कहीं सरकार से आप खफा हैं, नाराज हैं? नाराज क्या है, अब समय वक्त बताएगी, लेकिन ये परेशानी कहाँ से लोग, कोई 1,000 किलोमीटर 500 किलोमीटर से आ रहा है, यही है जो यहाँ की जनता है, कितना ये परेशान है। और हम आपको डेली दिखाते हैं कि किस्सा कुर्सी का, और किस्सा की कुर्सी में जो आला अधिकारी हैं, अब लोग तो यही कह रहे हैं कि हम योगी से हमको दिक्कत नहीं है, हमको मोदी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो आके जिस तरीके से इनके साथ भेदभाव किया जाता है, इनकी ठेली को उठाया जाता है, पलटा जाता है, सामान तोड़ा जाता है, लोग अपनी ठेली दिखाएंगे जरा, ठेली पर अपना ये उधार लेके आते हैं, ठेली लगाते हैं, लेकिन फिर इनकी ठेली को कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाता है। जो लोग चाय बना रहे हैं, जो लोग फल बेच रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनके पास, इनके साथ अन्याय हो रहा है, और लोग जब जाते हैं तो आला अधिकारी यहाँ के इनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। चाची, 2024 चुनाव पास में है, आप क्या चाहती हैं, सरकार यही रहेगी बदलेगी? भैया बन भी सके ना भी रह सके। सरकार की योजनाओं से आपको, आपको कितना लाभ मिलता है? अब असर मिलता है आपको? लाभ क्यों ना मिले, खूब मिले लाभ, लाभ तो मिले सरकार होने से। अच्छा, सरकार जो कहती है हम शौचालय दिए फ्री में, राशन फ्री में दे रहे हैं, कोरोना में इन्होंने टीकाकरण करवाया फ्री में करवाया, तो इन सब योजनाओं का लाभ मिला आपको? हाँ, खूब मिला, खूब मिला, खूब राशन दिया। अगर सरकार की सहायता ना होती तो दुनिया तो आधी भी ना रहती, चली जाती है। चौपड़ी वाड़े भक्का नाम है, नुकबाई फ्री मिल रहा है ना, सही उनकी सहायता से हम आज लोग घर में जिंदा बैठे हैं, नहीं तो कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि आते हैं ठेला पलट देते हैं, परेशान करते हैं, ये सवेर सवेर एक दिन दो दिन पीछे आ जा, राशन की बात है, जब आगे जब तो मिलेगा तो वैसे मिल जाओ। कमेटी जो करती है ये गलत करती है, थोड़ा कमेटी गलत करती है, सरकार सही कर रही है आप लोगों के साथ? सरकार तो सही करती है, पर ये कमेटी गलत करती है। झोपड़ी वाड़े इनको देखे, ठेली वाड़े ना घर में बढ़ा दे, इजाजत मिलनी चाहिए कि ये गरीब लोगों का रोजगार है, बंद नहीं होना चाहिए। जब हम गरीब लोगों का रोजगार बंद नहीं होगा तभी तो हम आगे को चलेंगे, तभी तो हम सरकार की सहायता करेंगे, सरकार हमारी सहायता करेगी तो हम सरकार की सहायता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो 2024 में आप किसकी तरफ जाएंगी? 2024 लोकसभा चुनाव पास मारा, आप किधर जाएंगी, किसको वोट करेंगी? ये
अब सरकार किसकी होगी ये तो मुझे भी नहीं पता। आप किसको वोट करेंगी? हम तो मोदी जी को करेंगे। मोदी जी क्यों करेंगी? और भी तो नेता है देश में। फिलहाल मोदी जी है, उन्होंने अच्छा किया है। क्या अच्छा किया उन्होंने? क्या किया आपके लिए? 10 साल होगी उन्हें रहते रहते, बहुत फिर भी बहुत सपोर्ट किया है। क्या किया कुछ बताएंगे? एक दो एग्जाम्पल देंगी आप, एक दो उदाहरण देंगी जिससे आपको कुछ उनके योजनाओं का लाभ पहुंचा हो? देखो उसमें लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा सहायता करी, बैंक में खाते में पैसा भी डाले। पैसा मिला था आपको? पैसा मिला था। लोग तो कहते पैसा ही नहीं मिलता, केवल कह देते पैसा जाता किसानों के खाते में, पैसा मिलता है नहीं किसानों के पास, तक आता ही नहीं। आता है वही है, किसी की में बैंक में किसी के में कोई परेशानी रहती है, जैसे नहीं आता ना तो बाकी सबके में पैसा आया हुआ है, गांव में सबके में आया हुआ है। मेरे गांव में सबकी लेडीजों को सिलाई मशीन मिली है, सिलेंडर मिले हैं, पैसा भी मिला है, हम लोगों को बहुत सहायता मिली। कहाँ के रहने वाली हैं आप? भाई फिलहाल तो यहाँ नवेड़ा के रहने वाली हूँ। तो विधायक जो आपके पंकज सिंह, यहाँ पंकज सिंह विधायक हैं? हाँ जी हाँ जी। तो आप लोग बीच में आते हैं? तो मैंने देखे भी नहीं। नहीं आते हैं, मामला गुल है। विधायक जी आते नहीं आप लोगों के पास? कभी देखे ही नहीं विधायक को। आपने देखा ही नहीं? वोट बीजेपी करेंगी, विधायक को पहचानती नहीं आप? फोटो में देखा है। फोटो में देखा है। तो जिस तरीके से लोग यहाँ बता रहे हैं कि कुछ सरकार की बुराई भी कर रहे हैं, कुछ सरकार की अच्छाई बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि कोरोना काल में हमको लाभ मिला, पैसा आया, सिलाई मशीन मिली, सिलेंडर मिले, लेकिन वहीं जो यहाँ के ठेले वाले हैं, जो रोजगार करते हैं अपना, जिसका उनसे भरण पोषण होता है, वो उनसे काफ़ी परेशान हैं। फिलहाल कैमरामैन वसीम के साथ मैं सुदीप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।